Hello students, मैं आज आपको कॉम्प्लेक्स नंबर का तीसरा लेक्चर बताने जा रहा हूं। इसके पिछले लेक्चर में मैंने आपको से बोला था कि कॉम्प्लेक्स नंबर का जो पहला दूसरा लेक्चर खत्म हुआ उसमें का एक एक्सरसाइज खत्म हुआ था और उसमें मैंने आप लोग से बोला था कि आप अपना प्रॉब्लम करके और उस प्रॉब्लम को जो हो सके कर लीजिएगा और जो प्रॉब्लम ना हो आप अपने कमेंट बॉक्स में डाल करके उस प्रॉब्लम को अपना क्लियर पॉइंट करवाइएगा, उस प्रॉब्लम को पूछिएगा, इसका सॉल्यूशन आप लोग नेक्स्ट लेक्चर में दिएगा। तो कमिटमेंट किसी का है नहीं, अच्छी बात है, किसी का कोई प्रॉब्लम है नहीं। तो हमारे इसके नेक्स्ट टॉपिक पर चलते हैं और हमारा नेक्स्ट टॉपिक है कि कॉम्प्लेक्स नंबर का ही कॉम्प्लेक्स नंबर में ही आपको हमको दिखाना है पोलर फॉर्म, पोलर फॉर्म एंड आर्गुमेंट। इस पोलर फॉर्म चाहे आगे प्लेन में किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को अगर हमें कोई कॉम्प्लेक्स नंबर लेनी है जेड को आप अगर हमको लेना है एक्स प्लस आई, यह आपका कॉम्प्लेक्स नंबर है। अब इस कॉम्प्लेक्स नंबर को हम पोलर फॉर्म में दिखाएंगे। तो जैसे कि मैंने आपसे कहा कि इस एक्सिस पर जो भी नंबर पार्ट चलेंगे आप एक्स रियल नंबर पर चलेंगे और इस एक्सिस पर जो भी आप चलेंगे वो आई वाई आपका इमेजिनरी नंबर का होगा। तो यहाँ पर जो भी अगर मान लेते कोई पॉइंट यहाँ पर एक्स साथ चले हैं, ये पॉइंट अगर एक्स और वाई का है तो मान लीजिए कि हम ये पॉइंट आपने फाइंड कर दिया, ये पॉइंट ये अब इसका जो है ये इमेजिनरी नंबर को शो करता है, रियल नंबर को जो कॉम्प्लेक्स नंबर आपका बना वो कॉम्प्लेक्स नंबर कौन सा हुआ। तो ये हुआ जेड बराबर एक्स प्लस। लेकिन आप ये देखते हैं कि जो इस कॉम्प्लेक्स नंबर का जिस तरह से आप ये भी देखते थे कि वेक्टर पाथ में अगर फर्स्ट ईयर के फिजिक्स में आप लोगों को वेक्टर पढ़ाया गया होगा तो यहाँ से अगर कोई वेक्टर पी है और कोई वेक्टर ये क्यू है और इन दोनों वेक्टरों को ऐड किया जाता है तो हमको वेक्टर आर होता है जिसका डायरेक्शन थीटा में दिशा है और थीटा बराबर लिखते थे क्या क्यू वाई की यानी जय थीटा बराबर। इसीलिए मैंने आप लोगों को पहले ही पढ़ाते समय बोल दिया था इसमें कि कॉम्प्लेक्स नंबर एक तरह से एक वेक्टर कॉम्प्लेक्स नंबर भी बोला जाता है इसको। तो ये वेक्टर से वेक्टर फॉर्म में भी हमने आपको दिखाया है और इसका भी एक डायरेक्शन होगा एक थीटा जिसको हम आर्गुमेंट भी कहते हैं, जिसको हम आर्गुमेंट भी कहते हैं। एआरजी से इसको शो किया जाता है, एआरजी आप कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल टू टाइम थीटा से कहा जाता है। इसका दूसरा नाम एम्पलीट्यूड भी है, एम्पलीट्यूड ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, एम्पलीट्यूड ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर जो है ये हमारी बात है थीटा और थीटा बराबर होता है टाइम इनवर्स। जो भी यहाँ पर नंबर आएगा वो नंबर हम यहाँ पर लिख देते हैं टाइम इनवर्स। जेड में जो भी वहाँ पर आर्गुमेंट देगी वो आर्गुमेंट यहाँ पर हमको जैसे वाई वाई एक्स के पास में लिखा। तो ये मान लीजिए आपका थीटा है, इसका पोलर फॉर्म हमको शो करना है। मैंने ये भी बताया था कि जेड का मैग्नीट्यूड क्या होता है दिखाते हैं और ये वैल्यू हम दिखाते हैं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इन कॉम्प्लेक्स नंबर के कोएफिशिएंट का स्क्वायर। तो जब कॉम्प्लेक्स नंबर को क्योंकि ये एक्सप्रेस रिप्रेजेंट इन इसमें दिखाते हैं रिप्रेजेंटेशन ऑफ जेड इन पोलर फॉर्म, तो जब पोलर फॉर्म में हम दिखाते हैं तो इसको हम लिखते हैं साइन थीटा बराबर कितना हो गया।
तो साइन थीटा इक्वल टू होता है कितना, परपेंडिकुलर अपॉन y होता है, परपेंडिकुलर y कोएफिशिएंट होता है, y कोएफिशिएंट है y, हाइपोटेन्यूज हो गया आपका, तो यही y इक्वल टू हो गया r sin थीटा। और उसी तरह से अगर cos थीटा निकाले तो cos थीटा इक्वल टू यहां से हो जाता है कि x अपॉन r, तो x इक्वल टू हो गया r cos। यानी अब ये पोलर फॉर्म आपका रिप्रेजेंट हो गया इसमें r cos थीटा r sin, यानी ये पोलर फॉर्म में दिखाया गया। पोलर फॉर्म का मतलब होता है एक तरह से एंगल का पार्ट, और एंगल पार्ट में x की वैल्यू आपकी ये x को शो करता है, ये y को शो करता है, यानी पोलर पॉइंट भी जो है पोलर फॉर्म में ही। जब इसी को हम डिवाइड कर देते हैं y by x को, तो ये हमारा निकलता है r sin थीटा अपॉन r cos थीटा। r से r कट गया, हम लिखते हैं tan थीटा, और tan थीटा इज इक्वल टू होता है y by x, जहां पर ये आपका हम आर्गुमेंट कहते हैं, आर्गुमेंट ऑफ ये इक्वल टू ये होता है थीटा, या इसी को हम एम्पलीट्यूड भी कह देते हैं, और ये एम्पलीट्यूड बराबर आप जे की कंट्रोल हो जाएगा टाइम इनवर्स वाई वाई। तो ये पोलर पावर का हो गया, और यही हम इसको आगे प्लेन में भी कह देते हैं कि जब इसी को कास्ट टाइम के दिखाते हैं, जब आप लोग ने थीटा के करते दिखाने लगे, तो ये हमारा होता है आगे प्लेन, इसी को हम बोलते हैं आगे। तो आर्गन प्लेन में रिप्रेजेंटेशन हम इसी तरह से शो करते हैं, और पोलर फॉर्म में अगर आपको इस क्वेश्चन को शो करना है तो हम इस तरह से इसका पोलर फॉर्म दिखा सकते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल में क्वेश्चन लेते हैं कि सपोज कर लीजिए रिप्रेजेंटेशन का कॉम्प्लेक्स नंबर z इक्वल टू, एक क्वेश्चन है z इक्वल टू 1 + i√3, इसको पोलर फॉर्म में दिखाना है, रिप्रेजेंट जेड जेड इन पोलर, इसको पोलर फॉर्म में शो करना है। तो पोलर फॉर्म में तो मैंने पहले ही बोला कि पहले इसका आर निकाल दे, और आर बराबर होता है अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब इसका एक्स है कितना, एक्स है 1, वाई है हाइपोटेन्यूज 3, तो r इक्वल टू हो गया कितना, 1 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, यानी ये हो गया 1 प्लस 3, यानी ये हो गया 4, और 4 का होता है कितना r प्लस माइनस 2, या पर स्क्वायर। अब इसको जब पोलर फॉर्म में जब इसको सेव करेंगे तो z इन थीटा निकलेगा, यही पोलर फॉर्म होता है कि z इन थीटा। अब हमको थीटा मालूम होना भी जरूरी है, तो थीटा कैसे निकालेंगे, तो सबसे पहले अब यहां पर थीटा पता होगा कैसे, तो थीटा इन कंट्रोल हम यहां से ये निकालें कि tan थीटा बराबर हो गया कितना, tan थीटा इज इक्वल टू होता है y / x, y है आपका कितना √3, x है 1, दोनों पॉजिटिव है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में ये लाई करेगा क्योंकि y की प्लस में है और x की प्लस में है, तो थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा tan इनवर्स √3, और रूट थ्री का मतलब होता है कितना, कि tan रूट थ्री किसकी वैल्यू होती है, तो पाई बाई थ्री की वैल्यू। अब ये आपको मालूम हो गया, जब आप थीटा निकाल दिए और आगे प्लेन में इसको आपको पोलर फॉर्म में शो करना है, तो ये मैं इसको रद्द करने जा रहा हूं, इसको आप नोट कर लीजिए। आप लिखेंगे जेड इन थीटा, अगर आपको पोलर फॉर्म में दिखाना है जेड को, तो हम लिखेंगे r cos थीटा प्लस i इनटू r sin थीटा, क्योंकि x की जगह पर r cos थीटा, y की जगह पर r sin थीटा, क्योंकि जो टोटली जो आपका इसमें कॉम्प्लेक्स नंबर बना था वो पोलर फॉर्म में r cos थीटा प्लस i इनटू r sin थीटा के टर्म में होगा। तो यहां पर हम लिखेंगे r की जगह हमारी वैल्यू कितनी आई, तो प्लस माइनस 2 cos pi / 3,
प्लस, इसको बाहर निकाल दिया आपको और ये हो जाएगा कितना, प्लस आई साइन पाई है। अब ये आपका थीटा रहता है, इन कॉम्प्लेक्स नंबर का जो पोलर फॉर्म होगा वो पोलर फॉर्म ये होगा। तो हम इस चीज को हम इसमें शो कर सकते हैं कि प्लस माइनस का टू क्रॉस फाइव बाई थ्री प्लस। अब चूंकि ये मैंने पहले ही कहा है कि एक्स भी पॉजिटिव है और वाई भी पॉजिटिव है, तो इसमें जो हिस्सा दिया जाएगा वो किसका दिया जाएगा, तो अब चूंकि मैग्नीट्यूड है आर का है हमारा मैग्नीट्यूड है, तो मैग्नीट्यूड की वैल्यू हमेशा किसमें दी जाती है, आवेश पॉजिटिव, तो हम इसलिए ये माइनस नहीं रखेंगे, हम इसको किसमें रखेंगे, इसको प्लस में रखेंगे। तो ये हमारा पोलर फॉर्म का क्वेश्चन था। अब इसी तरह से पोलर फॉर्म के ऐसे कई क्वेश्चन आपको मिलेंगे। अब जैसे मान लीजिए दूसरा क्वेश्चन मैं आपको दिखा दे रहा हूं, दूसरा क्वेश्चन है कि जेड इक्वल टू है, क्वेश्चन नंबर सेकेंड है कि जेड इक्वल टू माइनस 16 वन प्लस आई। ये क्वेश्चन साल्व हो गया, ये पहला क्वेश्चन का मैंने दिखाया था, ये क्वेश्चन अगर आपने साल्व कर लिया हो तो मैं इसको ये एक्सरसाइज का क्वेश्चन आपको करके हमको जितना भी है पूरे ये आपका एक्सरसाइज नंबर है 2.5.3.2 का पूरा ये क्वेश्चन जो भी एनसीईआरटी की एक्सरसाइज में लिया करके लाना है, करके आपको रखना है। जो क्वेश्चन नहीं आ रहा उसको अपने कमेंट बॉक्स में डाले, आपके ग्रुप में है आपके अपने ग्रुप में डाले, जो क्वेश्चन रह गया उस क्वेश्चन को सॉल्व करके आपको उसका सॉल्यूशन नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में दिया जाए।